दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने आउजूम के TH03 के जो 5 प्रोजेक्टर वाले ऑक्सिलरी लैंप है वो इंस्टॉल करवाए थे अपनी स्कॉर्पियो एन के बम्पर पर, लेकिन अब कुछ टाइम्स को यूज़ कर लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लाइट्स अच्छे लग रहे हैं, उसको परमानेंट इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। और कई सारे लोग चाहते भी थे कि परमानेंट इंस्टॉलेशन के बारे में बताओ। परमानेंट इंस्टॉलेशन क्या होता है कि आप ऐसा फिक्स करो वेल्डिंग वगैरह करवाने के बाद, गैस वेल्डिंग करवाने के बाद में चासी के साथ में, कि वो थोड़ा सा टाइट भी फिटिंग हो, शेकिंग भी ना हो, और उसको बार बार निकालना ना पॉसिबल हो पाए, लोग इसको अच्छे से सेफली रख पाए ताकि कभी कोई चोरी होने का भी टेंशन ना रहे। वैसे तो स्क्रू पे फिटेड है, बट हाँ जो की इसमें लगती है स्क्रू फिटिंग एंड लूजनिंग के लिए वो हर किसी के पास तो रहेगी नहीं, बट मैं इसको बम्पर पर अपने जो चासी वाला एरिया है वहां पर इसलिए इसको फिट करवा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा हार्ड फिट रहे और अच्छे से यूज कर सकूं मैं, उसकी पोजीशन भी टाइट रहे और कभी वो लूज होकर के ऊपर नीचे ना होता रहे। वो चीज मैंने एक्सपीरियंस की और फिर उसका इंस्टॉलेशन मैंने थोड़ा सा टाइटली करवा लिया और अब जाकर के जो उसका लुक है ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसका जो ओवरऑल ये है ना इल्यूमिनेशन वो तो पहले से अच्छा लग रहा था, बट इसका जो अब थ्रो है वो प्रॉपर आ गई है सामने की तरफ, जो मुझे ज्यादा ऊपर भी नहीं चाहिए थी, ज्यादा नीचे भी नहीं चाहिए थी। फिटिंग बढ़िया से हो गई है। स्कॉर्पियो एन का बम्पर खोलना वापस फिट करना थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है वैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा नट वगैरह इसमें होते हैं। उसका कारण यह कि गाड़ी ऑफ रोड रेडी की गई है, मेरी तो 4x4 भी है, तो उसमें क्या होता है इतने सारे फिटिंग्स इतने सारे स्क्रूज हैं कि टाइट फिट रहता है, हिलता कुछ नहीं है, और फिर बार बार आपको शेकी नॉइज भी नहीं आती और फिर ढप्पर ढप्पर से ऐसा हिला हिला भी लगता नहीं है वो बम्पर उसका। तो इस तरह से हमने इसकी अच्छी फिटिंग कर ली और कोई शेकिंग नहीं हो रही और अब अच्छा रिजल्ट लग रहा है मुझको इसमें।